आप देख रहे हैं जीनूर पोर्टल। इस समय हम पहुंचे हैं टोडाभीम उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत माछड़ी में, जहां पर रघुवीर मीणा नामक एक व्यक्ति के घर में अचानक से विद्युत शॉर्ट सर्किट का कारण बताया जा रहा है, इसकी वजह से आग लग गई। लोग बाग आग की लपटों को देखते हुए एकत्रित हो गए और आग पर काबू पाने का प्रयास अभी भी बरकरार जारी है, जिसकी लाइव तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से ये आग लगी हुई है। यहाँ कोई विद्युत विभाग की टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, विद्युत विभाग की है या इनके घर के कोई प्रॉब्लम थी विद्युत संबंधी, उसकी वजह से ये आग लगी हुई है। ग्रामीण एकत्रित होकर इस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। चक्की जलकर राख हो गई है, बक्से में कुछ सामान रखा हुआ, गद्दे रजाई वगैरह वो सब जल रख राख हो गए हैं। पट्टी वगैरह सब टूट चुकी हैं। पूरा जलकर राख हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी भीड़ एकत्रित हुई है। इस समय टोडाभीम तहसीलदार महोदय पृथ्वीराज मीणा भी उपस्थित हैं। देखिए किस प्रकार से आग लगी। ये सब गद्दे रजाई वगैरह जलकर राख हो चुके हैं। पूर्ण रूपेण अभी भी आग नहीं बुझी है। ये बाबा हैं, इनके ही आग लगी हुई है। अरे भैंस खोल रहे भगा दीजिए, बहुत बड़ा काम कर रहे। लाखों रुपए से भी अधिक रुपए का अब तक नुकसान हो चुका है। ये देखो बाबा के हाथ में इस तरीके से कागज भी जल करके राख हो गए हैं। क्या क्या था बाबा इनके अंदर, किस चीज़ के कागज थे इसमें? छोरा की कागज है, बाकी पढ़ाई लिखाई के अच्छे सामान है। चलो थोड़ी देर गिरा को आटो 1700 रुपये जेब में, 100 रुपये जेब में रखा, 1600 में बेचने लगा। हाँ आटो पड़ने बाकी खेत रो या खेत वाला बाहर गिरे ये ले रहा इनके साथ खत्म हुआ।